फ्रेंड्स, मैं हूं खुशी। स्वागत आपका मेरे चैनल हिस्ट्रिया में। आज मैं बनाने जा रही हूं मूंग दाल के गर्मा गर्म पकौड़े। अगर बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म खाने को मिल जाए तो बारिश का ही मज़ा दोगुना हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम मूंग दाल के गर्मा गर्म पकौड़े बनाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, क्रिस्पी करारे, और ये सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1.5 कटोरी मूंग दाल ली थी, जिसको 2 घंटे पहले मैंने पानी में भिगो दिया था। दाल अच्छे से भीग चुकी और फूल गई है। दाल को मैंने 2-3 बार अच्छे पानी से वॉश कर लिया है और अब दाल को हम पीस लेंगे। तो एक मिक्सर जार में सारी दाल डाल लें। दो हरी मिर्च, 5-6 लहसुन की कली, 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, दाल को बिल्कुल भी पतला नहीं करना। और अब दाल को पीस लेते हैं। ये देखिए, दाल को मैंने पीस लिया है। दाल हल्की दरदरी है और दाल को बिल्कुल बारीक भी नहीं पीसना है। अब दाल को अब हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। ये 2 कच्चे आलू लिए थे मैंने, जिसको छील के कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से लच्छे निकाल लिए हैं और अब 2-3 बार पानी से भी धो लिया है। अब जो पानी है ये भी निकाल देते हैं। लच्छों का सारा पानी निकाल दिया है और अब दोबारा से हम निचोड़ कर फिर से हम दाल में डालेंगे। जो भी एक्स्ट्रा पानी है सारा निकाल देंगे, ऐसे ही नहीं डालना, क्योंकि अगर ऐसे ही डाल देंगे तो दाल हमारी पतली हो जाएगी और फिर पकौड़े बनाने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। सारे लच्छे निचोड़ कर डालें। ये सारे लच्छे डाल लिए हैं मैंने। ये 2 प्याज लिया है, जिसको लंबा लंबा काट लिया है। प्याज को भी मिक्स कर लेंगे और अब हम डाल लेते हैं मसाले। 1 चम्मच सौंफ, सौंफ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पकौड़ों में। 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच साबुत धनिया दरदरा कुटा हुआ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में मैं 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 1/2 छोटा चम्मच नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, और तीखा भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चौथाई चम्मच हींग और डाल देते हैं। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर ली हैं और अब मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच सूजी। सूजी से हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। और अगर आपके पास चावल का आटा है तो सूजी की बजाय आप वो भी डाल सकते हैं। और अब हरा धनिया डाल देते हैं। अब हाथ से मिक्स कर देते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। ये पकोड़े के लिए घोल तैयार है और अब हम पकोड़े तलेंगे। तो तलने के लिए मैंने तेल पहले ही गरम रख दिया था। तेल चेक कर लेते हैं, तेल भी गरम हो गया और अब हम पकोड़े तल लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे, 2-3 मिनट के लिए, और फिर बाद में गैस को तेज़ कर लेंगे।
और फिर पकोड़े हम अच्छा क्रिस्पी करारे होने तक तलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपके पकोड़े का घोल पतला हो गया है या आपके पकोड़े सही से नहीं बैठ रहे हैं, तलते वक्त टूट रहे हैं, तो आप उस कंडीशन में 1 से 2 चम्मच या तो सूजी मिक्स कर लें या आप बेसन मिक्स कर सकते हैं, तो उससे आपके पकोड़े बिल्कुल सही बनेंगे। देखिए पकोड़े अच्छे क्रिस्पी होने लगे हैं। पकोड़े अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं और अब हम निकाल लेते हैं। अब बाकी के पकोड़े भी तलकर तैयार कर लेती हूँ। मूंग दाल के पकोड़े खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। ये दूसरे वाले पकोड़े भी हमारे तैयार हैं और अब इनको भी निकाल लेते हैं। ले चलते हैं अब सर्व करने के लिए। गर्मा गर्म अब हरे धनिए की चटनी के साथ या सॉस के साथ सर्व करेंगे। ये मैंने प्लेट लगा रखी है, हरे धनिए की चटनी भी बना रखी है और ये मैंने हरी वाली तीखी मिर्च भी फ्राई कर ली है, पकौड़ों के साथ बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप बारिश के मौसम में गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ ये गर्मा गर्म मूंग दाल के पकौड़े खाएँ, बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखिए एक पकौड़ा मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, बाहर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे पकौड़े बनते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।